अभी विधान परिषद में कोई गठबंधन नहीं है। अभी विधान परिषद में कोई गठबंधन नहीं है। अभी विधान परिषद में कोई गठबंधन नहीं है। बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से एमएलसी का चुनाव है और राजद और कांग्रेस की राहें जो है वो इस बार भी अलग दिख रही है चुनाव में, क्योंकि दोनों दलों के द्वारा ऐलान कर दिया गया है कि चुनाव अलग अलग 2400 सीट पर हम लोग अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। सीएलपी लीडर हैं अजीत शर्मा, क्या सोचते हैं, चूँकि कांग्रेस और राजद की राहें अब स्पष्ट हो गई कि अलग लड़ेंगे, आप लोग उम्मीदवारों को लेकर क्या सोच रहे हैं, कुछ तय हुआ है? नहीं, उम्मीदवार तय हो रहा है, हम लोग सब स्ट्रेटजी तय कर रहे हैं और आप कुछ दिनों में देखिएगा कि हम लोग लिस्ट जारी करना शुरू कर देंगे। और आपको बता दें, विधान परिषद का चुनाव बहुत अच्छे तरीके से लड़ेंगे, 2400 सीट पर लड़ेंगे और अच्छे उम्मीदवार हैं और जीतेंगे भी। आज बैठक भी है आप लोगों की? नहीं, बैठक तो हमारा वो सदस्यता अभियान के लिए, चूँकि हम लोग चाहते हैं कि बिहार में आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी चाहते हैं कि बिहार में हर गांव में 5 से 10 डेडिकेटेड वर्कर अच्छे बने, ताकि कांग्रेस फिर से मजबूत हो और 2024 में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का, फेंकने का काम। एक सवाल है, राजद लगातार कहते रहे कि आप लोग के पास उम्मीदवार पहलवान नहीं है, अब तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया कांग्रेस कौन क्या कहता है। छोटे जी, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उम्मीदवार नहीं है। अभी चुनाव हुआ तो 5 सीट हम लोग जीते, भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीती। ठीक है, वो बिहार का मामला नहीं है, पहलवान और उम्मीदवार कांग्रेस को हमेशा है और आप देखिएगा चुनाव जब स्टार्ट होगा घोषणा भी होगी और सारे सीटों में चुनाव लड़ेंगे। एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे, महागठबंधन में देखा जा रहा है कि राजद पिछले उपचुनाव की बात कर ली जाए, अभी की बात कर ली जाए, अपने सहयोगियों को अपने भरोसे में नहीं ले पा रही है, ये तो उनका मामला है, उनसे पूछिए। लेकिन हम लोग महागठबंधन इसलिए बनाए थे कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना था, क्योंकि वो देश को बांटने का काम करती है, जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटती है, तो उससे देश का विकास बाधित होता है। तो हम लोगों ने एक महागठबंधन बनाया बिहार में, क्योंकि हम लोग सभी सेकुलर पार्टी मिलकर भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर सकें, इसलिए बना था। और अभी विधान परिषद में अगर वो अलग लड़ रहे हैं, हम अलग लड़ रहे हैं, तो इससे क्या मतलब है? जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो आदरणीय सोनिया गांधी निर्णय लेंगी कि अकेले लड़ना है, क्या करना है, वो तो करेंगे, लेकिन हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं ये 2400 सीट अकेले लड़ने का। और लोकसभा भी हम चाहेंगे अकेले, हम इतनी ताकतवर हों कि हम अकेले चुनाव लड़े और बीजेपी को परास्त करें। गठबंधन तो नहीं रहा ना? गठबंधन तो आदरणीय सोनिया गांधी, आदरणीय राहुल गांधी तय करते हैं, हम लोग नहीं करते। अभी विधान परिषद में कोई गठबंधन नहीं है। बिल्कुल, तो विधान परिषद में कोई गठबंधन नहीं है, उपचुनाव में भी वही तस्वीर देखने को मिली थी। एक बार फिर से एमएलसी के 2400 सीट पर राजद और कांग्रेस जो है दोनों मैदान में है। इसको अभी इतना ही, देखते लाइंस बिहार, नमस्कार।